हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पहले जो नेम है उसका मीनिंग हम देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स रो डेटा, ठीक है, जिस पर हमको कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे सपोज कहीं पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, रो डेटा, इसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं। लेकिन यदि उस डेटा पे मैंने कुछ ऑपरेशन लिख दिया, सपोज कहीं पर 1 2 3 4 कुछ काउंटिंग इस टाइप से लिखी हुई है, ठीक है, ये हुआ डेटा, लेकिन कहीं पर इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कुछ मीनिंगफुल डेटा है। ठीक है, इसका कुछ मीनिंग है इस डेटा का, इस सेंटेंस का। हाँ, क्या मीनिंग है? कि 2 + 4 हमको कैलकुलेट करना है, मतलब इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन भी डेटा ही होता है लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जिससे हम उसको समझ सकते हैं कि उस डेटा का क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पर नंबर्स लिखे, इसका कुछ मीनिंग है? नहीं, बस लिखा हुआ है नंबर्स, मीन्स रो डेटा। ठीक है, इसको हम डेटा कहते हैं, लेकिन उस डेटा पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए जिससे उसका कुछ मीनिंग निकल के आया। जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इससे क्या मीनिंग निकला कि इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मैंने इसको ऐड किया, मीन्स ये क्या हो गया हमारा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स डेटा को हमको कलेक्ट करके इस टाइप से ऑर्गेनाइज करना है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डेटा और इंफॉर्मेशन। अब डेटा स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है सपोज, अब उसको स्ट्रक्चर मीन्स मेमोरी के अंदर मुझे इस टाइप से उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ताकि मेरा डेटा को जब मैं स्टोर करूं और उसके बाद यदि मैं उसको एक्सेस करूं, ठीक है, तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकूं, इसलिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर अब किस किस टाइप्स के होते हैं? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे टाइप्स से, कुछ बेसिक टाइप्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे एरेज, स्टेक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ। अब इन डेटा स्ट्रक्चर का कहाँ पर क्या यूज होता है? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक एग्जांपल है लाइब्रेरी। हम सपोज हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी है, मुझे कोई बुक चाहिए, मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की हूँ। अब मेरे कॉलेज में तो बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी में यदि हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पूरी लाइब्रेरी एक प्रॉपर वे में मैनेज होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होती है सारी बुक्स। ठीक है, यदि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की हूँ, अब कंप्यूटर साइंस में मैं कौन से सेमेस्टर की और कौन से सेमेस्टर का मुझे कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए, मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगता है सर्च करने के लिए, और मैं जाकर मेरी बुक ले आती हूँ जो मुझे चाहिए होती। कैसे? क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर बुक्स अरेंज होती है। कैसे? सपोज 5 ब्रांचेस है, ठीक है, मेरी कॉलेज में यदि इंजीनियरिंग की, तो जो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन रहेगा लाइब्रेरी का, मैं वहां जाऊंगी, वहां पर मेरी ब्रांच देखूंगी कि कौन सी ब्रांच है, वहां पर सारे स्टिकर्स लगे होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। अब मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो मैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टिकर के साइड जाऊंगी, फिर वहां मैं देखूंगी कि मेरा कौन सा सेमेस्टर है और कौन सा सेमेस्टर की मेरी बुक है, तो जल्दी से जल्दी मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट के अंदर मैं मेरा बुक सर्च कर लूंगी। मतलब क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया। डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं हम? टाइम बचाने के लिए, ताकि हम जल्दी से फास्ट एक्सेसिंग कर सके हमारे डेटा की। जो भी डेटा मेरे पास है, जो स्टोर्ड है, वो हमको इस टाइप से स्टोर करना है ताकि जब भी मैं उसको एक्सेस करूं मेरे डेटा को, तो मैं कम टाइम में कम से कम टाइम में मेरे डेटा को एक्सेस कर सको। ठीक है, तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लाइब्रेरी वाले एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो उसी टाइप से कुछ यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स लिखे हुए। यदि एरे की बात करें, मुझे सपोज यहाँ पर कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं कैसे, यहाँ पर सिक्वेंशियली डेटा स्टोर होता है, कैसे? सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में डाल दिया कुछ डेटा, कुछ सेकंड में डाल दिया, कुछ थर्ड में, फोर्थ में, इस टाइप से एरे में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये जो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, यदि आप डिप्लोमा या
इंजीनियरिंग कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट जो डेटा स्ट्रक्चर आएगा उसमें एक एक यूनिट ही डेटा स्ट्रक्चर पर है। तो जब हम वो यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करके बताऊंगी कि किसको कहां हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो इसमें आप सिर्फ इतना समझो कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में क्या हम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका कहां पर यूज होता है, ताकि जब आप धीरे धीरे सब्जेक्ट आगे पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक मैं डेटा स्ट्रक्चर्स आपको बता रही हूँ। सेकंड है स्टेक। स्टेक का बेसिक एग्जांपल, हम शादियों में जब जाते हैं, ठीक है, कोई शादी में अगर हम खाना खाने के लिए सपोज हम प्लेट लेने के लिए गए, तो प्लेट्स कैसे अरेंज होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक स्टेप से प्लेट्स रहती है। ठीक है, अब वो जो प्लेट रखी हुई है, हम प्लेट सबसे पहले कौन सी उठाएंगे, जो सबसे ऊपर रखी हुई है, मतलब जब वेटर ने, ठीक है, जब वो प्लेट अरेंज की थी, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्लेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब जैसे हमने स्टेक वो प्लेट्स के पास गए तो सबसे ऊपर वाली प्लेट, मतलब सबसे लास्ट में जो आई थी उसको हमने पहले एक्सेस किया, तो वो कॉन्सेप्ट होता है स्टेक का। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को हम ध्यान में रखते हुए स्टेक इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे स्टेक में नंबर ऑफ प्लेट्स रखी है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट। ठीक है, अब सबसे लास्ट में कौन सी प्लेट आई, फोर्थ। जब मैं यहाँ पर सपोज कोई बंदा यहाँ पर खाना खाने के लिए खड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी प्लेट एक्सेस करेगा, कौन सी प्लेट उठाएगा, ये मतलब जो स्टेक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट वाली प्लेट आई थी उसको सबसे पहले हमने फर्स्ट आउट हुई, जो सबसे लास्ट प्लेट इन हुई थी उसको हमने सबसे पहले फर्स्ट आउट किया, मींस किसके बेस्ड पर, फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर हमारा स्टेक वर्क करता है। तो ये था हमारा स्टेक का एग्जांपल। अब क्यू, क्यू का एग्जांपल, नॉर्मली जो हमारे रियल लाइफ क्यू लगती है, रेलवे स्टेशन सपोज हम गए टिकट काउंटर पर, रेलवे स्टेशन पर मुझे टिकट चाहिए कहीं जाने के लिए, तो सपोज यहाँ पर काउंटर है, तो इस पे हम ऐसे तो नहीं होता है ना कि जो लास्ट में आएगा उसको फर्स्ट टिकट मिल जाएगा, नहीं, वहां पर क्या करते हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है, जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा, फिर जब वो चला जाएगा तो दूसरे को टिकट मिलेगा। तो यही क्यू का एग्जाम्पल, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में जो क्यू है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वो इसी टाइप से इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे ये टिकट काउंटर है सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक क्यू लगी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कोई बंदा खड़ा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस टाइप से नंबर ऑफ, ठीक है, पैसेंजर्स यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, ये टिकट काउंटर है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स खड़े हुए, तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगा, फर्स्ट वाले बंदे को, मतलब फर्स्ट इन, जो पहले आया था वो पहले आउट होगा। ठीक है, तो हमारा क्यू किस पर बेस्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ गया स्टेक और क्यू में डिफरेंस। अब आएगा हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा होता है, जो भी डेटा चाहिए रहता है, फर्स्ट और स्टार्ट नोड और एंड नोड होता है, ठीक है, अब ये सेकंड लिस्ट है, इसमें लिस्ट क्रिएट होती जाती है लिंक लिस्ट में, ठीक है, और जो नंबर ऑफ लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसका फर्स्ट स्टार्ट नोड और एंड नोड होता है सबका, हर लिस्ट का, ठीक है, और जो लास्ट में है, सपोज ये फर्स्ट लिस्ट है मेरी, ठीक है, ये सेकंड है, तो इसके बाद कौन से लिस्ट आएगी, तो कैसे पता चलेगा, यहां पर सेकंड वाले का एड्रेस होता है, मतलब इस नोड का एड्रेस यहां होता है, इस एड्रेस के थ्रू इसके बाद फिर ये वाली लिस्ट ओपन होगी, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट, मतलब ये लिंक के फॉर्म में होती है पूरी लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्री। ट्री मींस कैसा, ट्री का स्ट्रक्चर देखा जाए, रियल लाइफ ट्री होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री में नोड्स होती है, एक जैसे ट्री हमारा जो पेड़ होता है नॉर्मली, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, ठीक है, उसी टाइप से हमारा डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है ट्री का। ट्री डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री एंड ग्राफ, ठीक है, उसके मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब हम ट्री वाला यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगी कि कौन कितने टाइप्स के हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद में आता है ग्राफ। ग्राफ का एग्जाम्पल है हमारा गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप में क्या होता है, जैसे ही मैंने गूगल मैप ऑन करती हूँ,
वैसे ही क्या होता है, जो मेरी करंट लोकेशन है ठीक है वो फेच कर लेता है गूगल मैप, और क्या करता है मुझे जहां पर भी जाना हो मैं डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल देती हूँ ठीक है। तो बीच में क्या करता है वो, उसे नंबर ऑफ, एक ग्राफ के थ्रू पूरा मैप दिखता है हमको, है ना। ग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स होते ठीक। बस मुझे मेरी करंट लोकेशन से कहीं जाना हो डेस्टिनेशन पर, तो क्या होता है बीच में जितने भी नोड्स है आपको दिखते होंगे पॉइंट्स ठीक है, वो बताता है मैप्स में ठीक है, कि कहां से किधर किधर किस साइड से जाना है। तो वो होता है पूरी पूरा ग्राफ ठीक है। तो जो मैप होता है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप से हमारा कंस्ट्रक्ट होता है ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।